पांड्या के समय पे गेट पे आधार कार्ड चेक करके केवल हिंदू हिंदू लोग हिंदुओं को ही एंट्री दिया करना आना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में, सही या गलत है? सर देखो, मैं मुन्नालाल पांडे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बारे में, देखो मैं सब मुसलमान को गलत नहीं साबित कर सकता हूँ, कह सकता हूँ सही है या गलत है। गलत है, अभी जाना। केवल हिंदू धर्म का त्योहार है तो सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही अंदर आने चाहिए? हाँ बराबर होना चाहिए। मतलब क्यों होना चाहिए ऐसा? पहले तो इतने सालों से तो नहीं हो रहा था। पहले दूसरी बात थी, अभी जो है जब सब अलग अलग विधान बना रहे हैं तो हिंदू के भी अलग विधान होना चाहिए। क्या आपकी क्या राय है इसमें? दांडे नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कोई भी फतवा जारी करेगा और हम लोग उसका फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी आके खेल सकता है, त्यौहार है। वैसे इतना ठीक नहीं है बयान, हमको लगता है क्यों मालूम है। जी सर, आज का मुद्दा ये था कि फिलहाल ही विश्व हिंदू परिषद और निदेशालय ने जो एक बयान दिया था कि जो दांडिया खेला जाता है उसमें केवल दांडिया के समय पे गेट पे आधार कार्ड चेक करके केवल हिंदुओं को ही एंट्री दिया करना आना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में, सही या गलत है? सर देखो, मैं मुन्नालाल पांडे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बारे में, देखो मैं सब मुसलमान को गलत नहीं साबित कर सकता हूँ, कह सकता हूँ। मेरे पहले बात तो मुसलमान और हिंदू ये क्या वो क्या बोले, हिंदू धर्म के ही लोगों को अंदर छोड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुस्लिम अलग अलग धर्म का नाम नहीं लिया। मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि जैसे 90% लोग इसमें भी बहुत अच्छे हैं, 10% जो गंदे हैं, 10% ऐसे हैं जो गंदे हैं, वो जो हर जगह हिंदू धर्म स्थल बुला करके ऐसा ऐसा माहौल बना दिया है कि आज हिंदू को ऐसा सोचना पड़ रहा है ना। मतलब कुछ हालात ऐसे हुए उसके वजह से, हालात ऐसे कई जगह पे ऐसा हुआ है, लेकिन में कांवरियों के साथ में और ऐसा हुआ है, और इसलिए जो है ऐसा मतलब आदमी सोच रहे हिंदू के धर्म स्थल के बारे में ऐसा सोचा जा रहा है। फिलहाल इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पहले तो ज़्यादा करके दांडिया देखिए मुंबई में खेली जाती है, आपको दांडिया मुंबई में ज़्यादा करके होता है, और उसमें भी फिर पहले जो हर धर्म के लोग आके 9 दिन खेलते थे, एक एंजॉयमेंट होता था, भगवान का भी जो मानते वो भी होता था, और कुछ लोग एक त्यौहार के हिसाब से भी देखते थे लोग। पहले में और अब में बहुत अंतर है। पहले हमारे बचपन में, अभी हमारा एक जो है लगभग 44 मतलब 44 साल है, और पहले मैंने देखा है आज से 10 साल पहले ऐसा देखा है कि मतलब हिंदू के त्यौहार में मुसलमान रहते थे और मुसलमान के त्यौहार में हिंदू, मतलब एक दूसरे से मिल करके। आज भी हमारे गांव में, हमारे घर गांव में एक ही मुसलमान है जिसके ये ताजिया में हमारे घर के बच्चे उसका ताजिया उठा के लेके जाते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन अभी कैसा है, अभी देखो बोलबम कांवरियों के साथ कितना जगह जगह कैसे कैसा हादसा हुआ है, और हमें नहीं कहते सब ऐसे हैं, 90% लोग अच्छे हैं, 10% ऐसे हैं जो ऐसे ही, हाँ ऐसा माहौल सोचने के लिए लोग मजबूर होते हैं। तो आदमी अपने जो अभी इधर का जो मंत्री है, जो इधर का नेता है, वो अपने सुरक्षा का मतलब इधर की सुरक्षा के बारे में वो खुद अपने हिसाब से जो विचार करेगा वो अच्छा करेगा। तो आपके हिसाब से लग रहा है कि ये सही कर रहे हैं? मेरे हिसाब से अगर ऐसा सोचा गया है तो अपने हिसाब से मतलब उस हिसाब से भेदभाव दो पूरा तो नहीं मानना चाहिए सर किसी के लिए, अगर कोई सच्चा है उसके लिए को ये नहीं, नहीं, लेकिन कुछ और भी जाति के लोग हैं जैसे हिंदू छोड़ के और भी, जैसे कि सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, पारसी हो गए, उनको केवल उन आधार कार्ड में तो उनके हिसाब से देखा जाए तो हिंदुओं में नहीं आते, तो ऐसे लोग को हमेशा शामिल होते, उनका नुकसान नहीं हो रहा या फिर उनको बुरा नहीं लग रहा है? नहीं तो सर कैसा है, इसमें अगर आधार कार्ड चेक करवा करके कोई अंदर जाएगा, कोई भी अगर मतलब सामने आता है, अगर वो मुसलमान है, मतलब आपका कहना केवल मुसलमान को ही नहीं, नहीं, मुसलमान है या सिख है या कोई भी है, अगर आधार कार्ड उसका देखा जाता है, अगर अन्य कोई भी है उसका नाम नोट करके उसको अंदर लाना चाहिए। हाँ ठीक है, वो आपने आप ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड लोगों का रखना चाहिए। सर मेरा कहने का मतलब जैसा उन्होंने बोला है कि मतलब ये अपना दांडिया में आने वाले हर आदमी का आधार कार्ड चेक करके हिंदू धर्म के लोगों को ही एंट्री दे ऐसा उन्होंने कहा है, चेक करके लोगों को छोड़ना ऐसा नहीं कहा। तो आधार कार्ड चेक करेंगे तभी तो उनको मालूम पड़ेगा हिंदू धर्म का नाम, आधार कार्ड देखेंगे, कोई आईडी देखेंगे तभी तो पता चलेगा जो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं दांडिया खेलने जा रहा हूँ, तो कैसे पता लगेगा कि हिंदू है या क्या है। नहीं, उनका मुद्दा ये था कि
लव जिहाद जो चल रहा है उसके हिसाब से ये बोल रहे हैं। उनका कहना है कि अन्य, सुनिए मेरा, उनका ये उन्होंने स्टेटमेंट आगे दिया था, ये मुद्दा जो है लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, ये लोग आते हैं बाद में हमारी जो लड़की है उनको बहला फुसला के झूठा बोल के प्यार में फंसा लेते हैं, शादी करते हैं, इसके लिए हिंदू धर्म से लेके जाते हैं, इसलिए इनको आना नहीं चाहिए, ऐसा नीति कराने, और इनका विश्व हिंदू परिषद का ये बयान है, ये लव जिहाद का मुद्दे के ऊपर से ये बोल रहे हैं। सर वैसे जहाँ तक देखा जाए ये चीज़ें सर हो रही है, जगह जगह ऐसा हो रही है, अगर इस बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, लेकिन लव जिहाद का जो मुद्दा है, हिंदू धर्म की स्त्रियाँ जो है, औरतें जो है या लड़कियाँ जो है, वो ऐसे भैला फुसला के तुरंत, मतलब ये हो रही है क्या, इतनी तो पढ़ी लिखी है, इतनी तो बेवकूफ़ कोई नहीं है, तो गांव के कमार भी होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि शहर है दंडिया में शॉपिंग लोग भी चले जाते हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं वो भी चले जाते हैं ना, तो ऐसा अगर सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से उचित सोच रहे हैं, कोई गलत नहीं है ना। उन्होंने लव जिहाद का ही एंगल दिया है इसको, क्योंकि वो आते हैं फिर प्यार में फैला। भाई अगर ऐसा हो रहा है, आप देखो अक्सर करके हर धर्म स्थल पे ऐसा हो रहा है ना, हिंदू के जितना धर्म स्थल में हर चीज़ ऐसा ही हो रहा है, इसलिए अगर इस विचार से अगर आगे हम लोग सोच रहे हैं कि आप गलत नहीं, ये अच्छी बात है, आपके नज़रिए से जो थाई कार्ड से देख के करना चाहते हैं वो सही है, बहुत सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ नमस्ते, मेरा बंशीधर चौहान। बंशीधर चौहान, तो अभी हाल ही में विश्व हिंदू परिषद और नीतीश राणे इन्होंने बयान दिया है कि दांडिया जो है, दांडिया खेलते हैं तो उसमें आधार कार्ड देख के केवल हिंदू लोगों को ही अंदर एंट्री देनी चाहिए, क्या आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? गलत है, अभी जाना चाहिए। जोर से बोलिए। हाँ वो लोग भी बैठाते हैं ना, हाँ दुर्गा, तो वो लोग भी बैठाते हैं, मतलब आपके हिसाब से गलत बोल रहे हैं, तो नीतीश राणे जी और विश्व हिंदी परिषद गलत काम कर रहे हैं। अभी ये लोग को जो समझ में आए करें, लेकिन गलत है, किसी को भी आने देना चाहिए, डांडे खेलना चाहिए, परंपरा से खेलते आ रहे लोग, तो उनको अभी रोकना क्या सही नहीं है ना? नहीं नहीं, नहीं सही नहीं है, तो आपके हिसाब से तो गलत है। तो आज का मुद्दा ये है कि नीतीश राणे और विश्व हिंदू परिषद ने एक बयान जारी किया है कि जो दांडिया जो है वो बिना आधार कार्ड देखे हुए लोगों को अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए, केवल हिंदू लोग ही दांडिया खेलने के लिए अंदर आने चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तो आइए कुछ लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं। आपका नाम सर? योगेंद्र पाल। तो क्या आपकी क्या राय है इसमें, दांडिया खेलने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी कोई भी फतवा जारी करेगा और हम लोग उसका फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी आके खेल सकता है, त्यौहार है। उन्होंने क्या कहा है कि केवल जो ये हिंदू धर्म का ये त्यौहार है, तो केवल हिंदू धर्म के लोग ही यहाँ पे आने चाहिए, उनका आधार कार्ड चेक होना चाहिए गेट पे, फिर अंदर आने चाहिए, ये सब मतलब पहले तो सब धर्म एकजुट होके चलते थे, हर त्यौहार मनाते थे, फिर अभी ये ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, गलत है, गलत, सबका त्यौहार आता है, सबके लिए आता है, सबको इस पे आप भेदभाव कर रहे हैं, फिर ज़्यादा तनाव तो वो तो सबके लिए हो जाएगा, फिर वो तनाव बड़ा हो रहा है, ऐसा लग रहा है, दूसरे धर्म के लोगों के लिए हम मना करेंगे, फिर वो लोग हमारे लिए मना करेंगे, फिर ज़्यादा भेदभाव होएगा और तनाव होएगा, फिर धीरे 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 यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सब लड़ मरेंगे तरीके से, मतलब धीरे धीरे भाई जा रहा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, की जाए। अभी देखो सुनो, नीतीश राणे और विश्व हिंदू परिषद ने क्या बोला है, जो दांडिया खेलते हैं, दांडिया खेलने वालों में केवल आधार कार्ड देख के हिंदू लोग को ही अंदर भेजना चाहिए, आपको क्या लग रहा है, सही लग रहा है कि गलत है? पहले कैसे कोई भी जात के जाते थे, मुस्लिम जाते थे, क्रिश्चियन जाते थे, जो भी सब जाति है वो सब जाते थे, लेकिन अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि केवल हिंदू धर्म का त्यौहार है तो सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही अंदर आने चाहिए, होना चाहिए, मतलब क्यों होना चाहिए ऐसा, पहले तो इतने सालों से तो नहीं हो रहा था, पहले दूसरी बात थी, अभी जो है जब सब अलग अलग विधान बना रहे हैं तो हिंदू के भी अलग विधान होना चाहिए, लेकिन ये तो नवरात्रि दांडिया तो बहुत सालों से चल रही है, सब धर्म मिल के चल रही है, फिर भी फिर अलग क्यों? हाँ तो अचानक अभी क्या हो गया ये साल? अभी सब प्रबंध लगा दिए हैं चारों तरफ, रात भर घूमते थे, अभी 10 बजे तक बंद है, 10:30-11 बजे तक बंद है। नहीं नहीं, वो मुद्दा नहीं है, प्रबंध लगाने का नहीं है ना, केवल हिंदू लोग को ही अंदर लेना चाहिए आधार कार्ड देख के, ये मुद्दा चल रहा है, बाकी धर्मों को रोक लगा देने का इन लोग बात कर रहे हैं, आधार कार्ड के ऊपर चलना चाहिए,
उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। सही है, आपके हिसाब से सही है? हमारे हिसाब से तो सही है। सही इसलिए है कि जब कोई जब धर्म जो एक सम एकता थी पहले सब सब लोग एकता सब धर्म के आके डांडिया खेलते थे, वो अभी बंद हो जाएगा तो अच्छा लगेगा क्या आपको? पहले क्या गणपति में सलमान भी जाते थे कंधे पर रख के, हाँ अभी कोई जाता है? नहीं जाता है। थोड़ा जोर से बोले, नहीं जाता है अभी कोई सब है। तो डांडिया में जो बंद किया वो सही किया आपके हिसाब से? ठीक है, चलो। नमस्कार सर, आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, आपका नाम? प्रकाश रामचंद्र साठू, TR साठू। तो अभी फिलहाल आज हम लोग इस मुद्दे में बात कर रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद और नितेश राणे जी, इन्होंने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि डांडिया जो खेला जाता है उसमें डांडिया खेलने के वक्त जो आने वाले लोग हैं उनका आधार कार्ड चेक किया जाए, केवल हिंदुओं को ही एंट्री होनी चाहिए, हिंदू लोगों का ये त्यौहार है तो केवल हिंदुओं की एंट्री होनी चाहिए। ये बयान कितना उचित लग रहा है? वैसे इतना ठीक नहीं है बयान हमको लगता है। क्यों मालूम है कि समाज में ये करने का भेदभाव करने का ऐसा मुझे लगता है। हाँ, भेदभाव इससे हो जाए। इतने सालों से सब लोग एकजुट होकर ये त्यौहार मना रहे बहुत सारे लोग इकट्ठा आ रहे हैं। वही बोला ना, अभी ये लोग का गलती है, मगर हमको लगता है ये गलत जानबूझ के समाजों में भेदभाव कर रहे हैं। जानबूझ और इससे क्या होएगा मालूम है? खाली समाज में पूरा देश में इसका उसका असर भी कुछ बुरा असर होने का। वो लोग भी वैसा ही करेंगे, ऐसा ही ना बराबर दूर दूर भागेंगे। कभी भी हम लोग भी उनको दूर दूर कर रहे हैं, वो भी हमको दूर दूर करेंगे। तो हर एक समाज अपना अपना अलग अलग व्यवहार करेगा। फिर बाद में बुद्धिस्ट बोलेंगे, जैविक वाले बोलेंगे हमारे जयंती में तुम लोग बताओ, फिर मराठा बोलेंगे हमारे तुम बताओ। तुम्हारा एक गलत है, गलत है उसका मर में। अपन सब एक ही है ना, एक देश के हैं, तो सबने इकट्ठा करके ये करना, ये त्यौहार मनाना हमको मुझे है तो अच्छा लगता है मेरे हिसाब से। मतलब आपके हिसाब से वो जो बयान दिया वो गलत का गलत 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 है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।